कविता राणा। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चाहते तो थे शिवराज सरकार के विकास की पोल खोलना, लेकिन उनकी खुद की पोल खुल गई। जी हाँ, एक फोटो ने उनकी ऐसी फजीहत की कि उन्हें ट्रोलर्स का शिकार होना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। कभी अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं तो कभी गलत फोटो डालकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो दिग्विजय सिंह का विवादों से गहरा रिश्ता हो, लेकिन विरोधियों पर हमला करने का मौका ढूंढने वाले दिग्विजय कभी कभी खुद के लिए खाई खोद डालते हैं, और इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। ट्विटर पर दिग्विजय सिंह ने एक दरार पड़े पुल की तस्वीर शेयर की, जिसे उन्होंने भोपाल का बताया और शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पिलर भोपाल में सुभाष नगर रेल फाटक पर निर्माणाधीन रेल पुल का है। पिलर पर दरारों से उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो वाराणसी में हुआ वह यहां नहीं होगा। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए तो समझ जाएंगे कि ये तस्वीर कहाँ की है। नहीं समझे तो जनाब, ये तस्वीर भोपाल की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। जी हाँ, एल्टन न्यूज ने दिग्विजय की गलती निकालते हुए बताया कि ये दरार पड़ा पुल पाकिस्तान के रावलपिंडी का है और ये क्षतिग्रस्त मेट्रो के एक पिलर की पुरानी तस्वीर है। बस फिर क्या था, ट्रोलर ने दिग्विजय सिंह की ऐसी क्लास लगाई कि उन्हें माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। तो देखा आपने, दिग्विजय सिंह ना सिर्फ फर्जी फोटो बल्कि ट्रोलर्स का भी शिकार हो गए। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।